अब यहां से कुछ अपनी गुजारिशात पेश करता हूं। माता मौलाना फरमाए यहीं से कि उसूलों पर जहां आज आए टकराना जरूरी है। तरन्नुम से पढ़ेगा पर जहां आज आए तरन्नुम से जा टकराना जरूरी है। मिसरा गया हूं उसूलों पर जहां आज आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत खूब। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और ये घर घर का कर्म जो टीवी कल्चर के जरिए होता है पूरे बड़े शरीर और जहां जहां हम अशरफी तमद्दुन के लोग हैं बनाएंगे उसूलों पर जहां आता है टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। वाह वाह क्या मिसरा है। सुने क्या मिसरा। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए कहां से बच के चलना है कहां जाना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए कहां से बच के चलना है कहां जाना जरूरी है। कहां से बच के चलना है कहां बात को पहली मरतबा कोशिश की है गजल में अस्तवाजी जिंदगी का एक पहलू गजल की जुबान में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। शहजाद अपनी खवातीन के साथ तशरीफ नहीं लाए हैं वो मेरा शेर ले जाए इंशाल्लाह बहुत काम आएगा। लैला फरमाए कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को आइए हुमायूमिया या जिस ताल्लुक से आपसे मेरा ताल्लुक है उसी की कशिश थी कि मैं हाजिर हूँ वरना हालात बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देते थे कि मैं घरेली छोड़ सकूँ। अगर आप रात की मोहब्बत फरमाए कि उसूलों पर जहां आता है टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए कहां से बच के चलना है कहां जाना जरूरी है। और वो शेर सुनिए कि थके हारे परिंदे जो बसेरे के लिए लौटे। वाह थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे सलीका मंद शाखों का नचक जाना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे सलीका मंद शाखों का वाह वाह नचक जाना जरूरी है। सलीका मंद शाखों का नचक जाना जरूरी है। और औरत का अगर कहीं तसव्वुर है तो सिर्फ मशरिक में है वरना मगरिब में तो औरत के नाम पर पता नहीं क्या क्या देखने को मिलता है। शेर मौलाना फरमाए इस मशरक की हुस्न की तमाम खूबसूरतियों के लिए कहाँ से बच के चलना है कहाँ जाना जरूरी है। थके हारे परिंदे जो बसेरे के लिए लौटे सजीता मंद शाखों का लटक जाना जरूरी है। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक नहीं पाता। वाह 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 फिर सुन लीजिए मिसरा कि बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता। मोहब्बत में कशिश हटने को शर्माना जरूरी है। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता। क्या कह रहे हैं मोहब्बत में कशिश हटने को शर्माना जरूरी है। मोहब्बत में कशिश को शर्माना जरूरी है। और ये शेर भी मौलाना फरमाए के सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। पता नहीं कब से गहरियत चीख रही है मगर उसकी बहकानियत आता है। ये सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे अगर इतनी देर में आप शेर तक पहुंचेंगे तो मेरा दुकान तमाम अपनी जहानतों का जिंदा जहानतों का सबूत दीजिए। इसके लिए शायद ही आप तक पहुंचे तो पूरा बदलाव सामने हो तो सारा शेर पढ़ने में सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस कर देता। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जो कहता है खुदा है तो उसे महसूस करने का उसे महसूस करने का जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। और आखिरी शेर आपने बहुत हौसला दिया बड़ी हिम्मत बढ़ाई आपने आपकी मोहब्बत का शुक्रिया।
आपके जहनत को सलाम करके आप पीछे पूरा एक्सिस्टेंशियलिज्म और दो मिसरे में सुनिए कि सजीदा ये नहीं शायद उसे महसूस करने का जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है मेरे होंठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो मेरे होंठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना जरूरी है। वाह 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 इसके बहुत शुक्रिया हजरत बड़ी इनायत कि आपने इस तरह से इंसान गहरा फरमाए।